हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए वर्स्ट वेज बिजनेस के एपिसोड 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड शुरुआत में जियोंगसू को देखते हैं जो दोयोन और ग्योमी को देखती है। ग्योमी बाद में जियोंगसू को देख लेती है और हमको ज्वाइन करने के लिए कहती है, और अब सभी साथ मिलकर खाना खा रहे थे। बोंग अब ठीक हो चुका है और इस पर एक छोटी सी स्पीच देता है। बाद में घर के अंदर ग्योमी होती है, साथ में जियोंगसू होती है और योंगबुक भी होती है। ग्योमी यह कहती है कि मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था, दोयोन उससे भी अच्छा है, वह बहुत ही काइंड है। जियोंगसू बार बार ग्योमी को नोटिस करती है क्योंकि इसी घर पर वो कपड़ा मिल गया था जो कि दोयोन के पास भी है। बाद में वह बर्तन लेकर दोयोन आ गया था। ग्योमी कहती है कि मैं साफ कर लूंगी, लेकिन दोयोन मना कर देता है। इसी बीच इसके हाथ पर एक स्क्रैच आ गया था और ग्योमी बाद में इसके हाथ पर मरहम लगाती है। अगले समय दोयोन को देखते हैं जो जियोंगसू और मीनू को घर पर छोड़ देता है। मीनू भी दोयोन से कह रहा होता है चलो मेरे घर पर चलते और खेलते हैं, लेकिन ये मना कर देता है। मीनू कहता है कि ठीक है, अगली बार हम तीनों साथ में खेलेंगे। दोयोन भी इसे प्रॉमिस कर देता है। अगले समय जियोंगसू अपने घर पर होती है और ग्योमी के बारे सोच रही थी, तभी इसके पास ग्योमी का कॉल आता है और यह कहती है कि तुम जो कैमरा मंगवा रही थी ताकि हम प्रोडक्ट की फोटो खींच के, वो कैमरा आ चुका है। जियोंगसू कहती है कि ठीक है। जियोंगसू साथ में कुछ पूछने वाली होती है लेकिन ये नहीं पूछ पाती। वही हम ग्योमी को देखते हैं, साथ में बोंग होता है। ग्योमी कैमरे को देख रही होती है लेकिन इसे नहीं पता होता है फोटो कैसे लें। लेकिन तभी बोंग कह रहा होता है कि डेग्यून को पता है, उसने इसके लिए स्टडी भी की थी। अगले सीन में डेग्यून इनके पास आ गया था और फोटोज ले रहा होता है। बाद में सभी घर के अंदर होते हैं और बात कर रहे थे। डेग्यून भी जूरी से बात कर रहा होता है और धीरे बोल रहा होता है। ये इस बात को नोटिस कर लेते हैं और कह रहे थे कि तुम क्या बात कर रहे हो। जूरी कहती है कि हम सिर्फ फोटोज के बारे में बात कर रहे थे। डेग्यून कहता है कि मेरी शाम को प्लानिंग है, मैं जा रहा हूँ, बाद में चला गया था। कुछ टाइम के बाद जूरी भी चली जाती है और फिर रात को डेग्यून के पास आती है। डेग्यून ने सारी तैयारियाँ पहले कर ली थी, अब दोनों अब शराब पी रहे थे। जूरी से यह कहती है कि तुमने फोटोग्राफर बनने के लिए स्टडी की थी तो तुमने स्टडी छोड़ क्यों दी। डेग्यून कहता है कि मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट थी, उन्होंने कहा कि इस चीज़ में कोई पैसा नहीं है। लेकिन जूरी कहती है कि तुम्हारी फोटोज बहुत ही अमेजिंग थी, तुम्हें फोटोग्राफर बनना चाहिए था। डेग्यून रो रहा होता है और कह रहा था कि सभी मुझे नीची दृष्टि से देखा करते थे। डेग्यून बाद में रो पड़ा था। जूरी कहती क्या हुआ है। डेग्यून कह रहा होता है कि ये बातें पहले किसी ने मुझे नहीं कही थी और मुझे लगा कि मैं इतना मिसरेबल क्यों हूँ। बाद में जूरी को किस कर देता है और इसको उठाकर ऐसे ले जा रहा था, लेकिन तभी यंगजा यहाँ पर आ गई थी और इन दोनों को देख लेती है और बाद में इनका पीछा करती है। ये दोनों भी घर से भाग गए थे। अगले सीन में तीनों बैठकर बात कर रहे थे। यंगजा जूरी को पैसा देती है और ब्रेकअप करने के लिए कहती है, लेकिन जूरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। यंगजा बाद में से घटिया कहती है और बाद में इसके ऊपर पानी फेंक रही थी। लेकिन डेग्यून बीच में आ गया था और कह रहा होता है कि आपको मुझे जो भी कहना कह लो, लेकिन जूरी के साथ ऐसा बिहेव मत करो, मैं जैसा भी हूँ इसने मुझे एक्सेप्ट किया है और मैं इसे प्यार करता हूँ। अगले इसमें जियोंगसू को देखते हैं, साथ में ग्योमी होती है जो फोटोज को देख रहे थे। बाद में खाना खाने की बात करते हैं, पास में दोयोन होता है जो कि इनको देख लेता है। ये भी से हमको ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। बाद में तीनों रेस्टोरेंट में आ गए थे और खाना खा रहे थे। जियोंगसू की यहाँ पर यह नोटिस करती है कि दोयोन को ग्योमी को काली मिर्च पसंद है। अगले इसमें जियोंगसू और दोयोन साथ में जा रहे थे और अभी अब जियोंगसू की यह बात कहती है कि मैंने ग्योमी घर पर क्या देखा था। वही हम ग्योमी को देखते हैं, साथ में बोंग होता है। यहाँ पर रहने के लिए जूरी आती है, साथ में डोंगी होता है और यहाँ पर डेग्यून भी आ गया था। दोनों बता देते हैं कि क्या हुआ है, हम दोनों डेट कर रहे थे और इसके बारे में यंगजा को पता चल गया है, इसीलिए जब तक हमें नई जगह नहीं मिल जाती हम यहीं पर रहने वाले हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ग्योमी भी कहती है ठीक है। वही दोयोन को देखते हैं जो अपने घर पर आ गया था और कपड़े को देख रहा होता है। पहले अपने नाम को देखता है और इसके पीछे एक रैट भी होता है जो कि सेम वही होता है जो कि रुमाल पर होता है, और यह रुमाल ग्योमी ने मुझे दिया था। अगले इसमें दोयोन हिम्मत करता है और ग्योमी के पास आ गया था। ग्योमी पहले से चाय देती है और बाद में कहती है तुम क्या पूछने वाले थे। दोयोन कहता है कि मैं कह नहीं सकता, मैं दिखा सकता हूँ। बाद में कपड़े को बाहर ले आया था और ये कह रहा होता है कि जिस अमेरिकन फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था तब मैंने ये पहना हुआ था। ग्योमी समझ जाती है कि ये कौन है। बाद में ये कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। यह कहकर ये चली जाती है और घर के अंदर आकर कपड़े को देखती है जो कि पहले जियोंगसू ने भी देखा था। अगले इसमें दोयोन को देखते हैं, साथ में मीनू होता है, साथ में जियोंगसू होती है। दोयोन बाद में जियोंगसू से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि आज मैं ग्योमी से मिला था, हालांकि उन्होंने कह दिया था मुझे नहीं पता है, वो सच्चाई से भाग रही थी। अगले सीन में जियोंगसू को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है जो अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। ग्योमी बाद में घर पर जा रही थी और आगे यहाँ पर दोयोन होता है जो कि ग्योमी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? व्योमी कहती है कि इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। मैंने किसी को डेट कर दिया था और मैं गलती से प्रेग्नेंट हो गई। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। दोहन कहता है कि ठीक है। अगले समय दोहन अपने घर के बेसमेंट में आ गया था। वो सभी फोटोज को हटा रहा होता है। ज्योंसु उसके पास कॉल कर रही होती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वही हम व्योमी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। ये कुछ सोच रही थी। बाद में इसके पास जूरी आती है। जूरी यहाँ पर यह कहती है कि मैं अपनी हेयर सैलून के लिए यहाँ पर जगह खोज रही थी लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिली। शायद मुझे दूसरे विलेज में जाना होगा। अखिलेश में सुबह ज्योंसु दोयन के पास कॉल करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। बाद में घर पर आती है और यहाँ पर दोयन सोया हुआ था। ज्योंसु को पता चलता है इसे फीवर होता है। बाद में इसको मेडिसिन देती है। दोयन कहता है कि मैं ठीक हूँ। ज्योंसु भी यह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और मेडिसिन ले आती हूँ। बाद में फार्मेसी में आ गई थी लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि अब व्योमी भी होती है। ज्योंसु कहती है मुझे मेडिसिन चाहिए। बोंग कहता है कि फ्यूर किसको है। ज्योंसु ने बता दिया था कि वह दोयोन है। बाद में मेडिसिन लेकर जा रही थी, इसके पास व्योमी आती है और यह कहती है कि क्या वह ज्यादा बीमार है। ज्योंसु कहती है कि उसे बुझा फ्यूर हो गया है। व्योमी कहती है कि शायद तुम जानती हो कि वह कौन है, मुझे उसे पूछना चाहिए था कि वह कैसा है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। ज्योंसु यह कहती है कि दोहन कैसा लग रहा था कि मुझे छोड़ा गया है लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा नहीं है। लेकिन अब उसे पता कि मुझे छोड़ा गया था। वह अपनी माँ को कई सालों से ढूंढ रहा है। व्योमी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है कि शादी से पहले मेरे पास एक बच्चा था लेकिन तभी इनको पता चलता है कि पीछे बोंग होता है। बाद में बोंग व्योमी से बात करता है और कह रहा था कि तुम्हारे पहले से एक बेटा है जो कि दोहन है। व्योमी भी अब्राहम मरती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगे। बोंग कहता है कि मुझे पहले अंदाजा हो गया था। अब हम पास्ट के सीन को देखते हैं। बोंग अपने घर पर होता है और कुछ ढूंढ रहा था लेकिन तभी छोटे बच्चे के कपड़े को देखता है। एक सीन में बोंग यह भी नोटिस करता है कि व्योमी छोटे बच्चे को देखकर रो रही थी। प्रेजेंट में व्योमी रो रही थी। बोंग बाद में इसे गले लगा लेता है और कह रहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगले समय दोयोन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और एक सपना ले रहा था जहाँ यार्ड में वूमन बैठी हुई थी और इसके पास आ रहा होता है। अब हमें इसका फेस दिखा जाता है कि कौन होती है और ये व्योमी ही होती है। दोहन बाद में आके खोलता है और सामने व्योमी होती है जो इसका पसीना पोंछ रही थी। दोहन कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? व्योमी कहती है कि मुझे कुछ कहना था। बाद में बार बार माफी मांगती है और बाद में दोहन को हक करती है। इसके बाद एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 12 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।